हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल इंडिया जॉब में 0.2 के YouTube प्लेटफॉर्म के पर। दोस्तों, 22 से लेकर 24 फरवरी तक के जो भी आपके सीआरएफ हेडमास्टर मिनिस्टर की एग्जाम हुई थी उनकी कट ऑफ अभी आपको बताऊंगा यहाँ पर, और साथ ही बताऊंगा आपका सेफ स्कोर। यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ टाइपिंग कट ऑफ, सेफ स्कोर और फाइनल कट ऑफ, ये तीन चीज आपको बताने वाला हूँ। साथ ही बताऊंगा दोस्तों, जो आपके यूट्यूब के ऊपर गलत अफवाहें फैलाई जा रही है उनके बारे में भी यहाँ पर बताने का काम करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सीआरपीएफ होते, सीआईएसएफ होते, बीएसएफ, आईटीपीसी, आपका एनआईएसएसएफ, जो भी कोई भर्ती है कि उसकी सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी के लिए आपका भाई आपको तैयार मिलेगा, एनीवन और सारी पोजीशन में आपके साथ खड़ा मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको यहां पर बात करना चाहता हूं, जो भी मेरे भाई, जो भी मेरे दोस्त, जो भी मेरे जिन भाई ने एग्जाम्स दी है, पहले तो मैं उन यूट्यूबरों को बोलना चाहता हूं, आप कट ऑफ का वीडियो बनाने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि आप बनाते हो हवा वाई बातें करते हो आप। हवा वाई बातें करने से कुछ नहीं होता, जो आपको बताया जाता है वो आप देखो नोटिफिकेशन में सीआरपीएफ ने क्या दे रखा है, वो चीज आपने नहीं देखी। केवल आप बता रहे हो 70 नंबर बन रहे हैं, 80 नंबर बन रहे हैं, तो क्यों यार आप ऐसा काम कर रहे हो? 70 नंबर 80 नंबर किसी के भी नहीं बन रहे हैं यार, किसी के 70 80 नंबर बंदू से अटेम्प्ट नहीं है। 70 80 नंबर तो कहां से बनेंगे, कहां से बनेंगे? 70 80 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं है बंदू से, अटेम्प्ट नहीं है तो क्या ऊपर चले जाएंगे? बिना अटेम्प्ट के नंबर बन सकते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात, जो एक हमारा शब्द काम करेगा ना, वो शब्द काम करेगा ये नॉर्मलाइजेशन, जो नॉर्मलाइजेशन शब्द है ना वो कट ऑफ के ऊपर बहुत इफेक्ट डालता है, और इस नॉर्मलाइजेशन की वजह से कुछ क्या होता है कट ऑफ का कोई नहीं बता सकता, पर मैं आपको एक सेफ स्कोर यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। देखो दोस्तों, नोटिफिकेशन में ये दिया गया है केवल आप क्वालिफिकेशन मार्क्स से लेकर आओगे तो आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, चाहे आप 1 गुना हो, चाहे 10 गुना हो, चाहे 20 गुना हो, जो 14 लाख फॉर्म भरे गए, चाहे वो 14 लाख 14 लाख हो, मतलब जिन्होंने टाइप अपना जो क्राइटेरिया है वो पूरा कर लिया तो आपको यहां पर बुलाया जाएगा। जो क्राइटेरिया आपका दे रखा है वो दे रखा है 40 नंबर जनरल, 40% जनरल, ईडब्ल्यूएस 40%, ओबीसी और आपके ये किन्नू आपके 35 35%, ये इतने आपके नंबर बन रहे हैं, इतने आपके नंबर बन रहे हैं तो आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, मतलब आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा 100%, इतने नंबर आपके बन रहे हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर बात करूंगा आपके कैंडिडेट बोलेंगे सर आप क्या बात कर रहे हो, ऐसी कोई बात थोड़ी नहीं दोस्तों, ऐसी बात है। नोटिफिकेशन में कहीं मेंशन नहीं है कि भाई 10 गुना बंधु को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, 20 गुना बंधु को बुलाया जाएगा, कहीं मेंशन नहीं है। पूरा नोटिफिकेशन आप ध्यान से पढ़ लो, और जो बोल रहे हैं ना 70 वालों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, 80 वालों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, उनको बोलना चाहता हूँ नोटिफिकेशन में ऐसी आपको कोई भी चीज दिखा दो, मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए गए, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहां पर आप एक बार स्क्रीन शॉट तो सेंड कर दो भाई, नोटिफिकेशन में इस कॉलम में दिया गया है, कहीं आपका नहीं दिया गया भाई टाइपिंग टेस्ट के लिए कितने नंबर वालों को बुलाया जाएगा, केवल जो क्वालिफिकेशन मार्क्स पास करेगा उन सबको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब बात आती है, एक होता है हमारा सेफ स्कोर, एक होता है हमारा फाइनल कट ऑफ, मतलब सेफ स्कोर क्या रह सकता है और फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है, हाँ ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, यदि आपको ये बात पसंद आए तो वीडियो को लाइक अभी कर देना मेरे दोस्तों। बात करता हूं सेफ स्कोर की। देखो जनरल कैंडिडेट हो आपको यहाँ पर, यदि आपके 65 नंबर बन रहे तो आपका यहाँ पर 99% तक चांस है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो यहाँ पर 62 नंबर वाले का ईडब्ल्यूएस में हो जाएगा, ओबीसी का आपका 63 का लगभग हो जाएगा, एससी एसटी की बात करूं तो 55 से लेकर 58 के बीच में है तो आपका यहाँ पर मेरे दोस्तों सिलेक्शन होने का चांस बन रहा है। अब बात आती है, एक होता है हमारा फाइनल कट ऑफ, बिल्कुल जाहिर सी बात है एक फाइनल कट ऑफ होता है, एक हमारा टाइपिंग कट ऑफ, एक सेफ स्कोर, एक हमारा फाइनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ क्या होता है, जब आप भाई इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट पार कर लोगे, पीजीटी पीएचटी क्वालिफाई कर लोगे, इसके बाद आप मेडिकल क्वालिफाई, इसके बाद डीएमई वगैरह, आप डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, री मेडिकल एग्जामिनेशन सारे पास कर लोगे, उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ जाएगी ना वो, उससे पहले बात कर लेते हैं भारतीय सेना जो अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर जो आपकी रैली आपकी एग्जाम होने जा रही है, उस एग्जाम में जो कमांड इंडस्ट्री एग्जाम है सीसी, उसके लिए बेस्ट बुक आ चुकी है, वो आ चुकी है आपकी चक्षु प्रकाशन की तरफ से, बहुत अच्छी बुक है, इस बुक का मैंने आपको अध्ययन करने के बाद ही मैं बता रहा हूँ, जिसके अंदर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, 2400 भविकल्पिक प्रश्न, बेस्ट प्रैक्टिस सेट और 50 सॉलिड सॉल्यूशन पेपर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो इस बुक को आप खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, बिल्कुल अलग अलग ट्रेड की अलग अलग आपकी बुक आ चुकी है, तो मैं दिखाता हूँ आपको कौन कौन सी बुक आई है, कौन कौन सी नहीं आई है दोस्तों। तो ये आप देख सकते हो अग्निवीर जीडी, अग्निवीर आपका कलर्क एसकेटी, और जीडी अग्निवीर आपका एनआरएस एन या ट्रेड्समैन, और अग्निवीर टेक्निकल आपके तीनों की आपकी बेस्ट बुक आ चुकी है, इस बेस्ट बुक को आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हो दोस्तों।
कितने जा सकते हैं। देखो दोस्तों मैं वो याद बता देने की आपको कोशिश करता हूँ, जो बता रहा हूँ यहाँ पर जो आपके 68 प्लस वाले नंबर है जनरल कैंडिडेट आराम से आपका हो जाएगा, कोई आपको नहीं रोकने वाला 68 में। ये नॉर्मलाइजेशन शब्द काम करेगा ना, ये बंदे के बता दू 10 10 15 15 नंबर बढ़ाता है, और जब ये 10 10 15 15 नंबर बढ़ाता है आराम से बंदे का सिलेक्शन होता है। यहाँ पर बात करूं यहाँ पर AWS का, तो 65 में आपका 100% हो जाएगा, 65 में आपका 100% हो जाएगा। बात करूं आपका ओबीसी की, तो 68 प्लस ही आपका रहने वाला जनरल से हाई कटऑफ जाने वाला है, क्योंकि ओबीसी में बहुत ज्यादा कैंडिडेट है, आपकी पोस्टें थोड़ी कम है, इस वजह से भाई ओबीसी की कटऑफ थोड़ी हाई जाने वाली है। बात करता हूँ एससी की, तो आपका यहाँ पर 65 में आपका 100% हो जाएगा, और आपका एसटी की बात करूं तो आपका भी 65 में 100% हो जाएगा। यह आपका फाइनल कट ऑफ है, ध्यान से देख लीजिए ये कट ऑफ भाई। हाँ आप एक घंटे बोलेंगे सर क्या बोल रहे हो, दोस्तों पैनल छोटा है पर जो चीज बताई जाती है वो अंदर की बात आपको बताई जाती है। यदि आप भाइयों की कृपा रही, आप भाइयों का प्यार बरसता रहा, तो पैनल भी एक दिन बड़ा लाएंगे, डिजिटल बोर्ड भी लाएंगे, सब कुछ लाएंगे। वैसे आप भाइयों के सपोर्ट की थोड़ी सी जरूरत है, तो अपने छोटे भाई को सपोर्ट कीजिए, चाहे बड़ा भाई माने चाहे छोटा भाई, सपोर्ट कीजिए। आपका भाई आपके लिए तन मन धन से आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा और खड़ा मिलेगा। तो दोस्तों ध्यान रखना ना, आपको ये कट ऑफ का वीडियो मैं आपके लिए इसलिए लेकर आ गया क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनसे बचने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जो भी मेरे भाई, जो भी मेरे दोस्त, जो भी मेरे भाई जिनके आपके 30 से 45 या 50 नंबर तक आप बन रहे हैं, तो अपने आप को इस रेस में समझे, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट में बंदे बहुत ज्यादा फेल होने वाले हैं। टाइपिंग टेस्ट में बहुत ही ज्यादा बंदे फेल होंगे, और जब ये टाइपिंग टेस्ट में फेल होंगे ना, तो हो सकता है इस कट ऑफ से भी आपका कम नंबर चला जाए। बताना चाहता हूँ ये कट ऑफ से आपका सेफ स्कोर है, तो दोस्त देख सकते हो। दोस्तों बाकी देखो जो भी कोई अपडेट होगी, जो भी कोई जानकारी होगी, जो भी कोई न्यूज होगी, तो मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराता रहूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम दोस्तों।